गरीबी से जूझ रहा पाकिस्तान अब अंजू पर मेहरबान है। भारत की अंजू ने पाकिस्तान जाकर इस्लाम अपनाया तो वहां के बिजनेसमैन ने जमीन और नौकरी देने की घोषणा कर दी। तालिक है और PSG ग्रुप, पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज और पाक सिटी, इसका मैं मालिक हूँ। हम बुनियादी तौर पे ये जो काफी दिनों से सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा कि ये जो अंजू नाम की लड़की है, जो जिनका ये ससुराल है यहाँ पे जो आई है हिंदुस्तान से, और इनका जो नाम फातिमा अभी जो नाम यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक नेम रखा है, तो हम बुनियादी तौर पे इस खुशी के इजहार के साथ कि एक खातून एक मुल्क से वहां से ट्रेवल करती है यहाँ पे आके इस्लाम को कबूल करती है और उसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो हम इस खुशी के साथ उनको मुबारकबाद देने के लिए भी आए और इस्लाम के अंदर वेलकम करने के लिए भी आए। बिजनेसमैन ने आने लोगों से अंजू को सपोर्ट करने को कहा है। पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO मोहसिन खान अब्बासी ने अंजू और नसरुल्लाह से मिलने के बाद लोगों से अपील की कि पाकिस्तान में जो अमीर लोग हैं वो अंजू और नसरुल्लाह की मदद करें। साथ ही ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि अंजू को पाकिस्तान में कोई समस्या ना हो, उसे घर जैसा महसूस हो। अब्बासी अंजू और नसरुल्लाह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और जमीन की पेशकश की। अब्बासी ने अंजू को एक चेक भी दिया है, हालांकि ये चेक कितने का है ये स्पष्ट नहीं है। अब्बासी ने पाकिस्तान सरकार और देश के अन्य संपन्न लोगों से अंजू और नसरुल्लाह की फैमिली को सपोर्ट करने को कहा। अब्बासी ने लोगों से कहा कि अंजू और नसरुल्लाह को गिफ्ट दें। ये तरीकाकार बुनियादी तौर पे हमारे अकाबरीन बुजुर्गों का, हमारे अजदाद का है। पहले वक्तों में भी अगर कोई दीगर मजाहब से कोई लोग मुसलमान होते थे तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे आबा अजदाद ये काम करते थे, तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी कि हम जो अपने हिस्से का काम कर सकते हैं तो उसके लिए है। दूसरा हमारा ये था कि जब कोई अदर कंट्री के अंदर जाता है तो सबसे बड़ा मसला उसके लिए घर का होता है, उसकी रिहाइश का होता है, तो चूंकि हमारा पाक सिटी जो है एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट है हमारा, तो हमने ये समझा कि हम उसके अंदर इनको अकोमोडेट कर सकें, तो हमने एक छोटी सी काविश हमारी, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल है कि हमने 10 मरला का एक ऑल ड्यूज क्लियर ADC प्लॉट इनके नाम का, इनका डाटा सारा गूगल से हमने लिया इनके नाम का बना के, तो वो आज हमने इनको यहाँ पे आके दिया। बाकी छोटे मोटे कुछ तोहफे हैं, एक चेक है, वो सिर्फ इसलिए कि हम इनके साथ जितना हेल्प कर सकें ताकि उनको यह एहसास ना हो कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनको कोई मुश्किलात हैं, बल्कि इस पाकिस्तान को अपना घर समझें, इस खत्ते को अपना घर समझें। तो ये एक छोटी सी हमारी कोशिश थी, इसके लिए हमें यहाँ पे आना हुआ। मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास और इदराक हुआ है कि जो नसरुल्लाह और उनकी फैमिली है ये बहुत मुखलिस और बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन माली लिहाज से इनको यहाँ पे एक तो ये है कि अदर सोसाइटीज अदर इदारों को इनको बैकअप करना चाहिए, और बिलखसूस जो ये बेचारे थोड़ा सा खौफ हरास का शिकार भी हैं, इनको स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से हुकूमती, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी हुकूमत के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर होंगे, इदारों के ऊपर भी होंगे, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम के अंदर जब कोई दाखिल हो जाए तो उसका दिफा करना हमारा हक होता है, अवलीन तरजीह होती है। अंजू मूल रूप से राजस्थान के भिलवाड़ी जिले की रहने वाली है। यहाँ वो अपने पति अरविंद और दो बच्चों को छोड़कर गई है। पाकिस्तान में नसरुल्लाह से मिलने के लिए वो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गई है। अंजू ने पहले कहा था कि वो सिर्फ घूमने के लिए पाकिस्तान पहुंची है। वहीं अगर उसके वीजा की तारीख पर गौर किया जाए तो वो 4 मई से लेकर 2 अगस्त तक ही वैलिड है।